हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा का टेम्पल दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, जो भी है हम आपको पूरी जानकारी वहीं पर देंगे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ का मौसम कितना सुहावना है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए हमारा घर है, और हम घर के पिछवाड़े से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए घर पे ना जो घर है माटी उटी फेंका गया, इसलिए यहाँ से बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा व्यू, पीछे का व्यू अच्छा दिख रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे माटी फेंक दिए हैं, फिर आपको दिखाते हैं घर पे। घर पर माटी फेंक दिए हैं, जैसे वैसे दिखाते हैं। यहाँ पे सब माटी फेंका गया, तो हम यहाँ से अच्छा व्यू नहीं मिला था, इसलिए यहाँ से नहीं बोले। इसलिए हम इस खेत में से बोले हैं कि थोड़ा व्यू अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो कंटिन्यू बना रखें, हम आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर। हेलो गाइस, हम गोरखपुर आ चुके हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ टेंपल देखना चाहते थे, तो हम यहाँ पे हैं। लेकिन उसके पहले एक बात हम बता दें आपको, गोरखनाथ जो टेंपल है बहुत ही अच्छा बना है। और फ्रेंड्स, गोरखपुर में हम फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पे। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। और देख सकते हैं हम बगल में हैं इसमें, ये देखिए ये भी है गोरखनाथ टेम्पल, और ये देखिए प्रवेश द्वार है। तो फ्रेंड्स, हम वहाँ पे चलेंगे। अब हमको नहीं पता कि टिकट लगता है कि नहीं लगता है, तो अब हम चलेंगे वहाँ पे देखेंगे। लेकिन हाँ, हम जान लीजिए हम फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पे। हम अब हम चल रहे हैं लेकर, थोड़ा सा वीडियो बैक कैमरा करके दिखाएँगे तो अच्छा लगेगा। गाइस, हम अंदर आ चुके हैं, देखिए वही प्रवेश द्वार है। तो फ्रेंड्स, गेट पे ना मोबाइल चलाना मना था, इसलिए हम नहीं वहाँ कर लिए, थोड़ा सा ही लिए। तो देखिए, देख सकते हैं ग्राउंड बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। पार्किंग है यहाँ पे, जिसे जो आया है वाहन स्टैंड है। ये देखिए मिष्ठान है, यहीं से मीठा उठा लेकर चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यही गेट है और वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी है, तो हम चलते हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स आप पीछे देख सकते हैं, हम अंदर आ चुके हैं गोरखनाथ टेंपल में। तो देखिए यहाँ पे आदमी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इस समय हम 6 बजे आ चुके थे यहाँ पर, तो सोचे कि यहाँ का दर्शन भी कर दें फ्रेंड्स। लेकिन इतना मान लो बहुत ही अच्छा बना है गोरखनाथ टेंपल, पहली बार आए हैं। देखिए गाइस, यही है गोरखनाथ टेंपल। माना जाता है कि गोरखनाथ बाबा भोलेनाथ का एक दूसरा रूप है, इसलिए यहाँ पे जो नंदी बैल है उनकी जो स्टैचू है यहाँ पे लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है, तो गोरखपुर में एक गोरखनाथ टेम्पल बना हुआ है, उन्हीं के नाम पर गोरखपुर जिला पड़ा है। ये लक्ष्मी माँ का स्टैचू है। यहाँ पे भोलेनाथ का है। हे गाइस, देखिए हम अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और माना जाता है कि ये सब मूर्तियाँ उन्हीं की बनी है, जो जो गोरखनाथ टेंपल आए थे, जो गोरखनाथ बाबा का दर्शन किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और माना जाता है कि ये जो गोरखनाथ बाबा जी हैं, ये शंकर भगवान का या भोलेनाथ का ये दूसरा रूप माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो गोरखनाथ, जो गोरखपुर ज़िला है, तो गोरखपुर ज़िला
संतों का जिला, संतों का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि जितने भी संत आए थे यहाँ पे गोरखनाथ बाबा का जो दर्शन करने आए थे, सबकी यहाँ पे स्टैचू बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि अब यहाँ पे हम गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने आए तो बहुत ज़्यादा हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी पता है हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो पूरा बनाया गया है, चाहे पेड़ पालों से लेके पौधे से लेके, बहुत ही अच्छा सजाया गया। फ्रेंड्स, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी टेंपल में जाना होता तो चप्पल जूता निकाल कर जाना होता, तो यहाँ पे आप चप्पल जूता आप निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो अब हम जाएँगे गोरखनाथ का जो भगवान, उनका हम दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम जा रहे हैं गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए, और माना जाता है कि ये जो गोरखनाथ टेंपल बना है पूरा 52 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और जो भी दर्शन करता है बाबा जी का बहुत ही अच्छा है उसके लिए। तो जिसको भी आना हो बढ़िया से आके गोरखपुर जिला में गोरखनाथ टेम्पल का, गोरखनाथ बाबा का दर्शन करें। फ्रेंड्स, ये जो गोरखनाथ टेम्पल है, यहाँ पे जितने भगवान हैं, जितने भी हम लोग के भगवान हैं, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे देखिए पूरी मूर्तियाँ यहाँ से यहाँ तक लगी हुई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लेंगे, जो हमारे भगवान यहाँ पे देखिए स्टैचू लगा है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी देवी हैं, ये कौन से भगवान हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। यही आश्रम है बाबा जी का, यज्ञ यहीं पे होता है, देखिए वहाँ पे यज्ञ करने वाला है। गाइस, एक चीज़ और है दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छा फवारा है ये, जिसको कहते हैं फाउंटेन। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे फवारा चल रहा है, देखिए उसके अगल बगल दिख रहा है साफ साफ, लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है, सबसे दिख रहा है, तो समझ लीजिए फुहारा ही है, आप देख सकते हैं। ए गाइस, एक बार क्या हुआ था, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि नाथ पंथ के संप्रदाय कौन है, तो उसमें मत्स्येंद्रनाथ भी दिया था और गोरखनाथ भी दिया था, तो हम सोचे कि गोरखनाथ हैं, लेकिन आयोग ने मत्स्येंद्रनाथ को माना था कि नाथ पंथ के संप्रदाय मत्स्येंद्रनाथ जी हैं, तो ये सही बात है। नाथ पंथ के संप्रदायक जो संस्थापक हैं वो हैं मत्स्येंद्रनाथ, और गोरखनाथ जी ने आगे बढ़ाया ना अपने नाथ पंथ को, जो संप्रदाय है आगे बढ़ाया। सबसे पहले यह बता दें कि हम गोरखपुर में सबसे, मतलब ये पहली बार आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको ये गोरखनाथ टेंपल देखकर,
तो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट करिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गोरखनाथ।